घर में जब भी इंडो चाइनीज डिश बनाते हैं तब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट नहीं आता है। आज आपके लिए लेके आया हूँ होममेड चाइनीज मसाला फॉर इंडो चाइनीज क्यूजिन, जिसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इंडो चाइनीज डिश। तो चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले पैन या कढ़ाई को गरम कर लेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, डालेंगे 6 चक्रफूल यानी स्टार एनिस, साथ ही में डालेंगे 20 से 25 जितनी लौंग, डेढ़ जितनी सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 4 टीस्पून फेनल सीड्स सौंफ, एंड आखिर में डालेंगे 4 टीस्पून साबुत काली मिर्च। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, खड़े मसाले अच्छी क्वालिटी के ही इस्तेमाल करें। जितनी अच्छी क्वालिटी के खड़े मसाले का इस्तेमाल करेंगे फ्लेवर उतनी ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे सारे खड़े मसालों को अच्छे से भुनेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। अगर आपको नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई का इस्तेमाल ना करना हो तो आप बिना नॉनस्टिक वाली कढ़ाई या पैन में भी भून सकते हैं, बस फ्लेम आप मीडियम से लो के बीच में रखें। अब मजे की बात, जैसे इंडियन क्यूजीन में गरम मसाले का इस्तेमाल होता है, ठीक इसी तरह इंडो चाइनीज क्यूजीन में भी चाइनीज मसाले का इस्तेमाल होता है। इंडिया के काफ़ी रेस्टोरेंट एंड स्ट्रीट वाले चाइनीज मसाले का इस्तेमाल करते हैं एंड डिश को और भी इन्हेंस करने के लिए अजिनोमोटो का भी इस्तेमाल होता है। अब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब खड़े मसालों को प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में डाल के फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, मसालों को अच्छे से पीस लिया है। अब इस्तेमाल करने से पहले छानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि पीसते समय मोटा मोटा रह गया हो तो भी पता चल जाएगा। इस मसाले की सबसे अच्छी बात यह है कि आप वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह के डिश में कर सकते हैं। इस मसाले का इस्तेमाल आप हक्का नूडल्स, वेज फ्राइड राइस, ड्राई मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन, मोमोज, चाउमीन, मनचाउ सूप, स्प्रिंग रोल, ऐसी बहुत सारी इंडो चाइनीज डिशेस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसालों को छान लेने के बाद थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लीजिए, होममेड चाइनीज़ मसाला बनकर तैयार है। अब जरूरी टिप्स, चाइनीज़ मसाले को स्टोर करने के लिए आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में रख सकते हैं 5 से 6 महीने तक, खराब नहीं होगा। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो 6 से 8 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप भी चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एक से बढ़कर एक चाइनीज डिश। तो बस आपकी कुकशाला में इतना ही, फिर मिलूंगा एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ईट वेल।